जब भी अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत नहीं करेंगे। अमानत का मतलब है जिम्मेदारी। आपके कंधे पे अगर कोई जिम्मेदारी हो उसे निभाइए। मजदूर हैं, आपको पैसा मिलता है 8 घंटा काम करने का। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, 500 रुपया आपको मिलता है। आपकी सूरत हाल क्या है कि अगर आपने ठीका पे लिया तो एक दिन में 2 दीवार खड़ी है। अगर आप मजदूरी पे कर रहे हैं तो एक दिन में आधी दीवार नहीं बनती, जबकि वही 8 घंटा आप काम करते हैं। मालिक आया तो काम में लग गए, मालिक उधर गया तो सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चूना लगा और खैनी में लगा रहे हैं, टाइम इधर बर्बाद है। आप अमानत में ख्याल कर रहे हैं। आप मालिक हैं, काम करवाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। काम जैसे ही खत्म हो आप उसकी मजदूरी उसके हाथ में दे दीजिए। आपके घर में पैसा रहता है, आप कहते हैं फलाना कल ले लेना, अरे काम भागे जा रहे, जाओ कल ले लेना। चूंकि आप नोच वाले हैं, आप बड़े लोग हैं, वो बेचारा गरीब आपको कुछ बोल नहीं सकता है, चला जाता है। फिर कल पहुंचता है, बाबू साहब पैसा दे दीजिए, जरा हटिया जाएंगे। आप भाग कर उसे भगा देते हैं, डांट कर उसे भगा देते हैं। मतलब गरीब ये जुल्मन जान बुझ कर रहते हुए पैसा टाल मटोल करना जुल्म है, और जालिम की कल कयामत के दिन गर्दन में है। अमानत ये है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया वक्त पर उसे दे दें। अमानत ये है कि अगर आपने किसी का सामान लाया कुदाल काम करने के लिए, काम हुआ फौरन अदा कर दें, काम हुआ जाकर रख दें। आज सूरत हाल क्या है, हमने कुदाल लाया और काम कर लिया, फिर हमसे ये लेके चले गए, इनसे वो उनसे वो। 3 महीना के बाद इस बेचारे को जरूरत पड़ी जिसकी कुदाल है, वो पहुंचा मेरे पास, तो हमने कहा फलनमा के पास, फलनमा ने कहा चिलनमा के पास, चिलनमा ने कहा सिलनमा के पास, और सिलनमा ने कहा मिलनमा ही नहीं, वो तो अब मिल ही नहीं रहा है, कहां चला है। ये सूरत हाल है। और माँ बहन का हाल क्या है, बगल से लाएगी प्याली, मेहमान आ गया, लाएगी थाली, मेहमान आ गया, 5 थाली पहुंचाई, 5 थाली गुम। और जब लड़ाई होगी तो नहीं फलनिया के हाथ भिजवा दिए थे, मेरी बेटी ले जाकर अपने से दी है, वो तो 5 ही पहुंचाई है, 5 तो यही गुम कर दी। आपने फरमाया अलगा दिया तो मुआदार, जो चीज दूसरे से लो उसको वक्त पर जाकर अदा कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मोहम्मद के दीवाने हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो झूठी मोहब्बत करने वाले हो। आज सूरत हाल क्या है, एक बारिश जमीन हुई दबा लिया, 100 रुपए अगर यहां गिर जाए तो ये दोनों दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे ये मेरा, वो कहेंगे मेरा। एक मिसाल दिया, आप दोनों बुरा नहीं मानेंगे। एक जमाना वो था, मिश्कात की रिवायत है कि एक शख्स ने जमीन बेची दूसरे के यहां, जमीन उसने खरीद लिया, जमीन में हल चला रहा था, हल अटक गया, उसने पीछे किया, फिर चलाया, फिर अटक गया, उसने हल को किनारे किया, बैल को किनारे किया, कुदाल लिया, जमीन खोदा, खोद कर देखता है कि कुछ चीज है जो गरी हुई है, उसने मुकम्मल खोदा, नीचे से खोद कर निकाला तो एक सुराही निकलती है, सुराही बंद है, उसने उसका ढक्कन खोला, जब ढक्कन खोला देखा सोने के सिक्के भरे हुए हैं, उसमें तो खजाना था, उसने अपने सर पे उठाया। हम होते तो कहां जाते, सीधे अपने घर जाते, अपनी बीवी से कहते गोदरेज खोलो, लॉकर खोलो, लॉकर में जल्दी छुपा कर रखो। उसने क्या किया, अपने सर पे लिया, गया कहां, उस आदमी के पास जो पहले जमीन का मालिक था, जिसने जमीन बेचा था, उसके दरवाजे पे दस्तक दिया, उसने दरवाजा खोला, वो अंदर दाखिल हुआ, उसने कहा सुराही उतारो, उसने सुराही उतारी, सुराही नीचे रखा, उसे खोला और कहा सुनो मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी, ये सुराही नहीं खरीदी है, जमीन मेरी है क्योंकि मैंने खरीदा है, लेकिन ये सुराही तेरी है, ये सोने के सिक्के तेरे। जमीन बेचने वाला क्या कहता है, जमीन बेचने वाला कहता है सुनो मैंने तुमसे जमीन भी बेच दी, जमीन में जो दरख्त है वो भी तेरा है, जमीन में जो खजाना है वो भी तेरा है, ये सुराही तेरी है, ये सोने के सिक्के तेरे हैं, ये कह रहा है तेरा है, वो भी कह रहा है तेरा है, ये भी कह रहा है तेरा, वो भी कह रहा है तेरा। बात बढ़ जाती है, लड़ाई की नौबत आ जाती है, जो किस बात पे ये तेरा तेरा कह रहा है, आज झगड़ा किस पर है, मेरा मेरा मेरा, वहां झगड़ा किस बात पर है, तेरा
بات پہنچتی ہے وقت کے نبی کے پاس، وقت کے نبی نے فرمایا الکما غلام، کیا تم میں سے کسی کے پاس لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں لڑکا ہے۔ اس نے دوسرے سے پوچھا ایندکم جاریہ، کیا تیرے پاس لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دونوں کے بیٹا اور بیٹی کی شادی کرا دی اور کہا یہ سارا پیسہ تم دونوں ہے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ مشکات کے اندر واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ ہر ایک کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ آج 100 روپے گر جائے ایمان بدل جاتا ہے، 1-2 ہزاریہ نوٹ دکھلا دیا جائے تو اس مکھیا کے بجائے اس مکھیا کو ووٹ، اس ایم ایل اے کے بجائے اس ایم ایل اے کو ووٹ۔ اور اگر یہ جوان جو دکان پہ پہنچتا ہے 50 روپے کا سامان لی، 50 روپے 40 روپے کا سامان خریدا، 50 کا نوٹ دکاندار کو دیا، بیچارہ دکاندار بیزی تھا، اس نے سمجھا کہ 500 کا نوٹ دیا، اس لیے اس نے 40 روپے کاٹ کر 460 روپے اس کو واپس کیے، جلدی سے جیب میں کرتا ہے اور پتلی گلی سے دھر 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 جلدی سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ 460 روپے میں اس کے ایمان بدل رہے ہیں، اس کو واپس جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے بھائی صاحب آپ نے غلطی سے زیادہ پیسہ دے دیا ہے، یہ پیسہ آپ کو دیجیے۔